यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दिस इज मी मैम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं ये वाला ब्लश हैक। अच्छा, ये मैंने काफ़ी थोड़े टाइम पहले की वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन आज मैं एडिट कर रही हूँ रात के टाइम पे बैठ के। तो मुझे याद आया कि यार एक मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ कोई भी मेकअप हो, कुछ भी हो, करने से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना होता है। अगर आपके फेस पे पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, तो आप अपना प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे फेस पे नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बाय करूँगी अपने लिए। मेरे पास था लेकिन फिर मैंने ना दे दिया था किसी को जब इस्तेमाल ही नहीं होता था, लेकिन अब मैं दोबारा दूँगी ताकि जो है वो वीडियो वगैरह में मैं यूज़ करके बता सकूँ। खैर, अभी यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से जो है अपने पूरे फेस पे, हाथ पे, हर जगह पहले वो लगाया निविया का वाइट निविया का बॉडी लोशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है सबसे पहले अपनी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे कंसीलर लगाया है। अगर आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं तो आप पहले भी कंसीलर लगा सकते हो फाउंडेशन के, और फिर उसको बाद में लगा लोगे तो पूरे वो हाइड हो जाएंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं डिफरेंस कितना आया है सिर्फ कंसीलर से ही। अगर मैं सिर्फ कंसीलर भी लगाऊं, फाउंडेशन ना लगाऊं, तो मुझे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरे जो है वो स्कार्फ भी लग गया था मेकअप, तो मैं उसको भी सही कर रही थी। अच्छा, मैं क्या बता रही थी कि इतना फ़र्क मेरे पड़ता नहीं है, लेकिन वीडियो के लिए और ये कुछ इस तरह का था ना कि अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो फिर शायद ये ब्लेंड ना हो, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन लगाया है इसमें। तो यहाँ पे पहले मैंने मिस्टर रोज़ का ही कंसीलर लगाया अपनी आँखों पे, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ कंसीलर लगा के देखती हूँ, अगर सेट हो गया तो सही है, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं यार वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने फाउंडेशन भी हल्का हल्का लेके अपने पूरे फेस पे जो है वो लगाया, और फिर एक ब्लेंडर की मदद से जो है वो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। बहुत तेज़ स्पीड कर दी थी मैंने यहाँ पे, मैंने बोला यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए जो है वो स्पीड कम कर देते हैं वीडियो की, ताकि लोग जो है वो बोर ना हो। अच्छा, ये वाला पफ जो है ना, पफ कह लें, ब्लेंडर कह लें, ब्यूटी ब्लेंडर कह लें, ये ना मुझे बहुत पसंद है। इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे इस तरह का कोई मिल नहीं रहा। मैं लेके आई थी, वो अजीब सा ना स्किन पे हो रहा था मेरी, तो मैंने बोला नहीं यार यही वाला सही है। अच्छा, मैं इसको बहुत धोती हूँ, लेकिन इसका ना कलर ही ऐसा हो गया है, क्या बताऊँ मैं बस। इसके बाद जो है यहाँ पे जो हैक था उसमें सबसे पहले उन्होंने कंसीलर लिया है। कंसीलर पहले मैंने अपने हाथ पे लिया, और यहाँ पर इसमें मुझे हैक में एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी कि उन्होंने जो है वो लिक्विड लिप ग्लोज यूज़ करी थी, और मैंने जो है वो बुलेट लिपस्टिक लगा ली थी हाथ पे। लेकिन ये भी बहुत अच्छी वर्क करा, ये वाला है बहुत अच्छा वर्क करा। अगर आपके पास क्रीम ब्लश ऑन नहीं है और आपको शौक है उसका, तो आप इस तरह करके कंसीलर को लिपस्टिक में या लिप ग्लॉस में मिक्स करके भी अच्छा सा प्यारा सा क्रीम ब्लश बना सकते हो। इतना हसीन कलर बना था ना ये, मतलब मुझे जिस तरह का पसंद है ना वो ही वाला कलर ये बना था, और मुझे बहुत 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 पसंद आया था ये वाला हैक। मतलब आपको इसके ऊपर ना अगर आप चाहो ना तो फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब पहले मैंने ये सोचा था कि शायद फाउंडेशन नहीं है तो ब्लेंड नहीं होगा, लेकिन इसमें कंसीलर की वजह से ही मक्खन की तरह बिल्कुल ब्लेंड हो गया था, और लाइट लाइट सी ना ग्लो भी आ रही थी आपके फेस पे। अगर आप इस पर फेस पाउडर नहीं लगाएंगे, क्रीम ब्लश के ऊपर कौन लगाता है, हाँ लगाते हैं लोग, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते नहीं लगाओ, हल्के हल्के जो है वो ग्लो भी आएगी आपके फेस पे। लेकिन मैं तो नहीं लगाती इस तरह का, लेकिन लोग लगाते हैं, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अच्छा, मेरे लिए ना ये वाला हैक ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा। इस हैक को हम देंगे अपने पास से 10 में से 10, क्योंकि बिल्कुल अच्छा था, कुछ भी इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, और मैंने जो भी बचा फिर उसको अपने उस पे लेके, पफ पे लेके उसको सेट कर लिया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और बस यहाँ पे मैं पिक्चर ले रही थी, हमने लिए थोड़ा करीब से आप लोगों को दिखा दिया मैंने। और उसके बाद ना मैं ना फेस पाउडर से साइड साइड वाले जो एरिया था जहाँ पर ब्लश ऑन नहीं लगा हुआ था, बस मैंने उस एरिया को सेट करा। थोड़ी सी ना कॉन्टोनिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो इस तरह फेस पाउडर लेके और एक लाइन बना के उसको पाउडर को डस्ट ऑफ कर दोगे तो फिर भी अच्छा लुक आता है, तो मैं यही करती हूँ। इसके बाद मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था सादा सा, मैंने मुझे करना पड़ा मेकअप, तो फिर मैंने यही वाली जो जिसमें से मैं देख रही थी मेकअप करते हुए, इसी में ही एक ब्राउन कलर ब्राउन वाला शेड जो था उसी से ही मैंने उसको पूरी अपनी आईलेट पर लगाया, और उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया।
अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है रेवोल्यूशन का ये वाला लिप ग्लॉस। इसकी जो खुशबू है वो इतनी मज़े की है ना खुशबू कि दिल करता है यही लगा के जाओ। लेकिन मुझे इसका कलर नहीं पसंद, बस खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और मुझे इसका कलर नहीं पसंद, बहुत लाइट है। अगर आप रेड लिपस्टिक लगा रहे हो, डार्क आपको पसंद है, मैट लगा रहे हो, कोई भी कलर उसके ऊपर आप इसको लगा लो। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे भी लगा लो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एंड में जो है जाते हुए वही अपनी रेड वाली लगाई। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही रहने दूँ, इसी बात जो है यहाँ पे मैं जो हमेशा लगाती हूँ वही वाला मैंने मस्कारा लगाया है बॉब का, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। अगर डिटेल वीडियो आप लोगों को इस पे चाहिए तो मैं बनाऊँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरह आप इससे बहुत अच्छी जो है वो आईलैशेस कर सकते हो अपनी। इसके बाद यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपनी वाइट पेंसिल जो मैं आंखों के अंदर लगाती हूँ। अच्छा, ये कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। इस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं मैंने क्यों लगाया ये वाइट पेंसिल मैंने अपनी आंखों के अंदर लगाई। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने ये लिपस्टिक जो है वो डार्क नहीं लगाई थी। मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो वाली जो थी वो हटा के फिर अपनी जो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ बुलेट लिपस्टिक रेड, मेरे पास बहुत सारी हैं इस तरह की, तो मैं यही वाली मैंने लगा ली। ये जो होती ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी थी, वैसे इसमें मेरे पास बहुत, बल्कि फ़र्स्ट टाइम नहीं, एक बार शायद पहले भी यूज़ करी है वाली। हाँ, रोमांटिक में एक ही थी ना, मैंने पहले भी बताया है। हाँ हाँ सही, तो ये वाली जो है मैंने यूज़ करी। और इस तरह का कोई सिंपल सा मेकअप था, अच्छा ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं था, बस मुझे हैक ट्राई करना था, मेरा दिल चाह रहा था तो बस मैंने वो हैक ट्राई करा है। ये वाला हैक जो था ये काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो भाई अब इसके बाद जो है ना हल्की हल्की जो है मैंने सोचा कि मामा हाईलाइटर भी लगा ही लो जब तुम पूरा ही तैयार हो गई हो। तो फिर मैंने बोला नहीं यार हाईलाइटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं जो ब्लश ऑन लगाती हूँ ना उसमें हल्के 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 जो है ना वो शिमर के जो है वो पार्टिकल्स भी हैं, मतलब बहुत प्यारी सी ना एक ग्लो आ जाती है। तो मैंने वही वाला जो है वो हल्का हल्का लेके लगाया ताकि नेचुरल लगे, ये नहीं लगे बस बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन भी लगा लिया। तो यही थी बस आज की वीडियो, आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।